एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि फ्लक्स निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका E डॉट ds, पहला तरीका E डॉट ds इंटीग्रेशन से आ जाएगा. दूसरा तरीका, अगर बॉडी क्लोज्ड है तो क्लोज बॉडी के लिए गॉस थ्योरम Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओपन बॉडी है E डॉट ds, क्लोज बॉडी है तो क्यों करें इंटीग्रेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक, ऐसा नहीं कि ओपन बॉडी का फ्लक्स निकलता नहीं है, इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है, राइट. और हमने अपने तसल्ली के लिए गॉस थ्योरम का प्रूफ देख भी लिया, सही है. अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. आएंगी इसमें पांच एप्लीकेशन, पांचों की पांचों में से एक आएगा. पूरे चैप्टर पे स्टार लगा लेना, ये मत पूछना इसमें से क्या करके जाऊं, मुझे खुद नहीं पता क्या देगा, सारे इंपॉर्टेंट है. पहला, अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या एप्लीकेशंस हैं ये बताता हूं. एप्लीकेशंस ये हैं कि सपोज आपके पास, पहली एप्लीकेशन है कि मान लो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, ठीक, और मैं इसके r डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहता हूं, E. ये पहली प्रॉब्लम है. आपको ये प्रॉब्लम तो लास्ट टाइम करवाई थी आपने, फॉर्मूला मैंने याद करो इसका प्रूफ नहीं करवाया था आपको, बड़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थी, वो दिखाया था, याद करवा दिया रिजल्ट, लेकिन मैंने कहा था प्रूफ रहने दो. तो आज मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा लेकिन सिर्फ तीन लाइन में. वो जो लंबा प्रूफ था वो बताने के लिए था, अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज़ करते हो वो बहुत लंबी इंटीग्रेशन है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप गॉस थ्योरम यूज़ करते हो तो तीन लाइन में आंसर आएगा. तो हम इसकी वजह से क्या निकालेंगे यहाँ पर, ई, इसको लाइन चार्ज बोलते हैं. दूसरी एप्लीकेशन क्या करेंगे, हम एक चार्ज्ड शेल लेंगे, ठीक, शेल, कंडक्टिंग शेल, हॉलो शेल है, इसके आर डिस्टेंस दूर बाहर ई निकालेंगे, इसके सरफेस पे ई निकालेंगे और इसके सरफेस के अंदर कहीं भी पॉइंट पर ई निकाल लेंगे, ठीक. अब वो ग्रेविटेशन जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही, अच्छा ग्रेविटेशन याद ही नहीं, फीलिंग कहाँ से आएगी अभी. ग्रेविटेशन के अंदर किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में, अर्थ के अंदर ई निकालना, सरफेस पे ई निकालना, बाहर ई निकालना, टॉपिक का नाम बोलो, क्या टॉपिक था ग्रेविटेशन में, ना एक स्पेशल नाम दिया था, शेल थ्योरम. शेल थ्योरम सुनिए ग्रेविटेशन में, शेल थ्योरम्स पूछूंगा नहीं क्या होती हैं, नाम सुने, शेल शेल करते थे कुछ. शेल थ्योरम यही तो बताती थी कि अर्थ के शेल, अर्थ अगर शेल हो, खाली हो, हॉलो, उसकी वजह से ई निकाल लो अंदर बाहर और हर तरफ. तो मैंने उस टाइम भी प्रूफ नहीं करवाया था, शेल थ्योरम कहा था प्लस टू में करेंगे, लो प्लस टू आ गई, पता ही लगाना प्लस टू आ गई, तो ला टाइम आ गया इसका प्रूफ करने का. अब हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे हर जगह पर. तीसरी एप्लीकेशन, और सब में ई निकलेगा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. तीसरी एप्लीकेशन, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, हॉलो नहीं, सॉलिड, जो सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है ना, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग. आप कहोगे नॉन कंडक्टिंग, ये क्या फर्क क्या पड़ता है यार, स्फीयर के अंदर चार्ज है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता. किसी भी कंडक्टर, अगर ये कंडक्टिंग होगा ना, लोहे का स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज टिक ही नहीं पाएगा, आप भरते रहो अंदर चार्ज, क्यों, क्योंकि चार्जेस आर फ्री टू मूव, कंडक्टर है, और अल्टीमेटली एक दूसरे को रिपेल कर करके कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ सकते हैं, सरफेस के अंदर चार्ज कभी नहीं होता. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर चार्ज आर नॉट फ्री टू मूव, आर नॉट फ्री टू मूव. तो चार्ज एक बार आपने भर दिया तो वहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता,
कंडक्टर में तो बाहर के बाउंड्री के इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिशिएंसी पूरा कर देंगे, और बाउंड्री पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि हम बोलेंगे चार्ज फ्लो कर गया सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता, कहाँ होता है कंडक्टर के, हमेशा सरफेस पे, और नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज हो सकता है। तो जब मैं इस चैप्टर में बोलूँगा कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो कोई ये पूछे ही ना टेस्ट के अंदर कि सर ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब पक्का वो नॉन कंडक्टिंग है। और अगर मैं ये कहूँगा कि ये एक शेल है जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, और पेपर में लिखा नहीं कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो पक्का वो कंडक्टिंग ही है, सरफेस के ऊपर तो कंडक्टर्स पे ही काम करते हैं हम। तो इससे आपके टॉपिक में ना कंडक्टिंग शेल्स करके टॉपिक है, कंडक्टिंग शेल्स, तो समझ में आ गया यहाँ तक। हम क्या निकालने वाले हैं, इस चार्ज के बाहर ई, इसकी वजह से ई, सरफेस के ऊपर ई, और इसके अंदर कहीं पर भी ई, ये मुझे निकाल, ये निकालना है मुझे, राइट। नॉर्मल मेथड नहीं काम आएंगे, पॉइंट चार्ज नहीं है ना, खत्म हो गया, गॉस थ्योरम हेल्प करेगी। लास्ट, नेक्स्ट, एक मैं आपको शीट दूंगा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, शीट समझते हो, थिन शीट, कोई भी एक पतली शीट प्लस चार्ज है। इस शीट के आर डिस्टेंस यहां या यहां क्या निकालना होगा, ई, राइट लेफ्ट कहीं पर भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। नॉर्मल तो आप सोच भी नहीं सकते इनको कैसे करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में ये चार एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, और आज हम इसमें से कम दो तीन एप्लीकेशन तो ख़त्म कर ही देंगे, हो सकता है चार की चार भी ख़त्म हो जाएं, बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक जैसी है सारी, ठीक है यहाँ तक। तो करें स्टार्ट, तो आज का पर्पस समझ में आ गया। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ इस चैप्टर को करवाने के बाद कि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से ई निकालना आता है, एक रिंग के एक्सिस पे भी ई निकालना आता है, डिस्क के एक्सिस पे ई निकालना आता है, आर्क की वजह से ई निकालना आता है, स्ट्रेट वायर की वजह से ई निकालना आता है, और अब मैं साथ में ये भी ऐड करूँगा लाइन चार्ज की वजह से भी ई आता है, शेल की वजह से भी ई आता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी ई आएगा, और हीट की वजह से भी ई आएगा। तो यानी कि आपकी लिस्ट अब ई निकालने की और लंबी हो गई। फिर आप कहोगे फिर और कुछ रह गया हो, नहीं भाई ई यहाँ तक है बस, इसके साथ ही ई का काम क्लोज, ठीक है। तो आपके कंपटीशन, आपके एनसीईआरटी वाले इन्हीं फिगर्स में से ही आपका क्वेश्चन बना के आपको देंगे, क्या बना देंगे, कितना ही बना देंगे, तो आप इसको पढ़ लें, पेपर ठीक हो जाएगा, ठीक। तो बस यही लिस्ट है। तो वापस चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहली एप्लीकेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या लाइन चार्ज, ठीक है। और वायर ऑब्वियसली लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस पे होता है, वायर पे, और ये वायर का साइज मैंने क्या लिया, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट, आपको ये तो सिलेंडर है यार, ये वायर कहाँ से होगी इनफाइनाइट, ये सिलेंडर नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही है, बस ये है एक्चुअल में, बस ये क्वेश्चन है, इनफाइनाइट बहुत लंबी वायर है, और आपको आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ई, और आर कौन सा डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। क्वेश्चन सेम है जो लास्ट टाइम किया था, पर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। पॉइंट नंबर वन, इस पूरी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, लेंथ वाइज, और लेंथ वाइज डेंसिटी क्या यूज करते हैं, लैम्डा। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो लैम्डा, तो इसमें लैम्डा की फॉर्म में आंसर आएगा इसका मतलब। हम देखो बताता हूँ कैसे होएगी, ये देखो आर डिस्टेंस दूर, गॉस ने क्या कहा था कि अगर आर डिस्टेंस दूर जहाँ आपको ई निकालना है वहाँ मेरे नाम की क्या लेनी है, गॉसियन सरफेस, ले लो गॉसियन सरफेस, ये लो। अब कोई स्टूडेंट कहेगा ये थोड़ी ना, ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, कहेगा ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, ऐसे है ना, अगर ये वायर है
तो आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। तो ठीक है, सारी गॉसियन सरफेस को मिलाना तो क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर। देख रहे हो, मिला दिया, दिखना नहीं कुछ भाई, बस माइंड गेम है सारी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस दूर डीएस, 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 सभी इस साइड के डीएस, डीएस, डीएस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर। और सिलेंडर इज अ क्लोज्ड बॉडी। ये गॉसियन लगाने के लिए क्या कंडीशन है, यू हैव टू टेक अ क्लोज्ड बॉडी, और क्लोज बॉडी तो बनानी पड़ेगी। ठीक अभिजीत, ठीक है। तो क्लोज बॉडी, तो मैंने क्या बनाया, इन सभी को ज्वाइन कर दिया, सभी को ज्वाइन किया, तो इमेजिन करो क्या बना, एक गॉसियन सिलेंडर। तो ये फिगर समझ में आई, तो इस फिगर में ये सिलेंडर कुछ नहीं है एक्चुअल में, तो ये वायर ही है एक्चुअल में, ये तो बस एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब रूल नंबर वन, रूल नंबर वन ये कहता है कि आपको आर डिस्टेंस इधर या इधर, आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। तो जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन करना है चार्ज कितना पड़ा हुआ है, प्लस वन, कहीं भी कर लो, ये लो प्लस वन, प्लस वन। तो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर, वो कितनी यहां पर, डीएस, गॉसियन सरफेस यहां पर स्मॉल डी, तो डीएस, एंड डीएस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो डीएस कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। ऐसे यहां पर भी क्या होगा, डीएस, ऐसे डीएस। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, इसमें, इस सरफेस में, ये टॉप की सरफेस है, टॉप की सरफेस में डीएस की डायरेक्शन कहां होगी, राइट, लेफ्ट, ऊपर की नीचे, क्या लाइट, लाइट या लेफ्ट होगी, नहीं होगी। इसका एरिया कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, अगर एरिया ऐसा है तो ऊपर, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका डीएस कहां होगा, ऊपर। और ऐसे अगर यहां गॉसियन सरफेस लेंगे तो एरिया कहां पर होगा, नीचे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो साइड वाले का तो फिर साइड पे जाएगा, साइड वाले का साइड पे जाएगा, टॉप वाले का ऊपर या नीचे होगा। इमेजिन कर पा रहे हो इसे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि क्या ये क्लोज बॉडी बन गई, हाँ इमेजिनरी तो बन गई, इसका फ्लक्स निकाल लो। आपको फ्लक्स कैसे, इंटीग्रेशन से निकालो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कर्व सरफेस की अलग करोगे, इसकी अलग करोगे और इसकी अलग करोगे, तीन तीन एरियाज है ना इसमें अलग अलग। देखो इंटीग्रेशन में, 3D बॉडीज में ऐसा नहीं होता ना, ये एक ही बार लगाया लूप और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तोड़ो इसे, कर्व सरफेस अलग है, टॉप का क्रॉस सेक्शन अलग है, बॉटम का क्रॉस सेक्शन अलग है। मैं इसका फ्लक्स अलग निकालूंगा बाय इंटीग्रेशन, इसका अलग निकालूंगा और इसका अलग निकालूंगा। इसमें जो टॉप की सरफेस है, जो टॉप की सरफेस है, जो ई वेक्टर, तो इधर ही होगा, राइट होगा, क्यों, क्योंकि मुझे आर डिस्टेंस दूर ई तो यहीं निकालना है, तो प्लस, प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है और ऐसी है, राइट। ई वेक्टर समझ में आ रहा है, चार्ज के परपेंडिकुलर जाएगी लाइंस। लेकिन एरिया वेक्टर इसमें अगर लिया जाए तो वो कैसा है, ऊपर है। तो बताओ ई और डीएस में एंगल कितना है, 90। तो इसका अगर फ्लक्स कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो ई डीएस कॉस ऑफ 90 आंसर क्या आएगा, इसका मतलब टॉप की सरफेस में कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, पर निकालना तो फर्ज था ना, ना आए ना आए, आंसर जीरो आ गया तो चलो ठीक है, काम ही खत्म हुआ। उसी तरीके से बॉटम की, अगर यहां ई निकालना है प्लस वन, तो ई वेक्टर ऐसे है, डीएस वेक्टर इसमें कैसे है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ई और डीएस में, इसमें भी एंगल कितना है, 90, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो, कोई डाउट इसमें? तो अब क्या बचा, कर्व्ड सरफेस। तो ऊपर और नीचे की सरफेस तो गई, कर्व्ड सरफेस, तो ये फ्लक्स अब किसका निकलेगा, कर्व्ड सरफेस का। कैसे, कर्व्ड सरफेस में ई वेक्टर कहां है, राइट, डीएस भी कहां है, राइट, ई और डीएस में एंगल कितना है, जीरो, दोनों राइट, राइट, जीरो। तो क्या बनेगा, ई डीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन,
इंटीग्रेशन करें, टोटल इंटीग्रेशन ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में कर्व सरफेस एरिया में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, 2 पाई आर एल। आपको कि लेंथ, लेंथ कहाँ से आ गई, वायर तो इनफाइनाइट है। तो मैंने मैंने इसमें जो वायर को कंसिडर किया, जो मैंने इसमें वायर कंसिडर की, इनफाइनाइट है, पर फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने जो लेंथ कंसिडर की वो कितनी की, सिर्फ एल। फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने जो लेंथ कंसिडर की वो क्या की, सिर्फ एल। आप कहोगे एल लेकिन उसने इनफाइनाइट कहा था, आपने एल क्यों ली, मैं प्रूव कर दूंगा एल में, इसमें एंड में, कि लेंथ मैटर नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली मैंने एल ले लिया, नहीं तो इनफाइनाइट सिलेंडर का कैसे करूंगा सॉल्व। ठीक, तो यहां तक क्लियर है, टोटल फ्लक्स आ गया कर्व सरफेस एरिया का। अब गॉस कहता है इतना करने की जरूरत क्या थी यार, मेरे से पूछ लेते इसका फ्लक्स क्या, मैं तो एक मिनट बता ही देता। कैसे बताता, मैंने कहा इसका फ्लक्स निकाल दे, अब निकाल दे। गॉस कहता ठीक है, क्या ये क्लोज बॉडी है, यस। तो कह रहे ठीक है, अगर क्लोज बॉडी है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, आप बस ये बताओ कि इस सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज, ये मत बताना कि बाहर कितना चार्ज है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जो भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, फ्लक्स आ जाएगा। अब चार्ज है कितना इसमें, लैम्डा इंटू एल कर दें, क्योंकि एल लेंथ है और डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। तो लैम्डा इंटू एल क्या हो गया इसका, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इसका चार्ज आ गया। उसने कहा ये फ्लक्स है, अरे मैंने कहा मैंने तो कैलकुलेट ही कर लिया फ्लक्स। उसने कहा कितना, मैंने कहा इतना। उसने कहा, मैंने पूछा तेरा कितना है, वो कहता इतना। चलो दोनों मिल जाते हैं, ये मेरा तरीका ये उसका तरीका, दोनों को मिला लिया, एक ही बात है, एल से एल, तो ठीक है ना, लेंथ मैटर नहीं कर रही, ई आ गया। आप अपने ना कॉपी चेक कर लेना, ई निकालने की बड़ी गंदी इंटीग्रेशन दिखाई थी पिछले लेक्चर में, करवाई भी नहीं खुद की, करवाई नहीं, और वही काम इसने सिर्फ दो लाइन में खत्म कर दिया। है कि नहीं कमाल की चीज, ई आ गया इनफाइनाइट वायर का। डेरिवेशन आने वाली है पेपर में 3 नंबर की, टू कैलकुलेट ई ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फॉर्मूला याद करो। एक हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे किया इसे। ठीक, ओके ठीक है यहाँ तक, तो ई निकालना आ गया, क्लियर है ई तक, कोई डाउट इसमें। तो आपने एक चीज़ नोट की, एक बार ई हमने इंटीग्रेशन से निकाला, एक बार ई हमने गॉस थ्योरम से निकाला, और दोनों को इक्वेट कर दिया। हर टॉपिक में यही करना होता है। फिर देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई